ये प्यारा सा गीत है, मैं सुनाती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लगभग कितना कमा लेते हैं? 40,000-50,000 का है और बेलेनो कार है। वाह, काफी अच्छा कार है जो कि आप डिस्प्ले पे देख ही रहे हैं। कि आज वो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज वो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। आपको किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद जो है वो इस चैनल को बहुत से बहुत ही मिलना चाहिए। उजड़े बगुला बिना पिपरो न सोही, कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित एक फॉर यू। दोस्तों आज हम मौजूद है स्मृति जी के पास, जो कि एक अच्छी गायिका है, जो कि आपने अभी सुने भी है। तो इनसे आइए कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्ते आपका। जी नमस्ते, प्रणाम। और मैं स्मृति सिंह सहरसा जिले के सुगमे गांव से हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित एफरयू। कैसे हैं? जी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही खुशी मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा गीत है, मैं सुनाती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वाह, काफी अच्छा। देख सकते हैं स्मृति जी जो है ज़्यादातर स्टेज पे गाना गाते हैं, शादी ब्याह किसी भी शुभ अवसर पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फैंस फॉलोइंग भी है। तो मैं चाहूँगा स्मृति जी, आप इतने बड़े लेवल पे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि आप गायकी का शुरुआत कैसे किए, कहाँ से किए? जी देखिए, हमारे घर में ना बचपन से ही हमेशा म्यूज़िक का माहौल रहा है। तो हमारे पापा या फिर समझ जाइए कि पूरे फैमिली मेंबर ही तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो फिर वहीं से मेरी शुरुआत हुई, वहीं से मुझे लगा कि मैं गाऊंगी, मैं गाना चाहती हूँ और एक इंटरेस्ट आया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बस इसी वजह से मैं इस म्यूज़िक में अपना जो भी है गाना। आपको ज़्यादातर कमेंट में देखते हैं कि आपकी वीडियो पे फेसबुक वगैरह पे देखते हैं आपका वीडियो, ज़्यादातर बोलते हैं कि ये लता मंगेशकर का काफ़ी है, छोटी लता मंगेशकर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, अब पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है, और क्या बोल सकती हूँ। काफ़ी अच्छा। देख सकते हैं स्मृति जी का गाना जो है काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे ढंग से गाते हैं और ज़्यादातर घर में प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि इसके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। तो स्मृति जी आप ये बताइए कि आपके मतलब गुरु जी कौन है? देखिए क्या है ना कि ये जो म्यूज़िक है तो इसमें ना कोई एक को हम मान के नहीं चल सकते हैं कि कोई एक गुरु जी हैं। ये एक ऐसा चीज़ है कि सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा गाते हैं तो फिर उनसे ही मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बस पहले तो वही सिखाए, उसके बाद फिर मैं सहरसा में सीख रही हूँ, सुरांजलि है एकेडमी है, मैं फिर वहीं पे सीख रही हूँ अभी। जी आप अभी तक सीख ही रहे हैं, सीखते सीखते आप इतने बड़े मुकाम पे हैं कि आप ज़्यादातर प्रोग्राम में हमेशा बुक ही रहते हैं। जी बिल्कुल, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है, अभी तो और भी मेहनत करना है, सभी से प्यार आशीर्वाद लेना है। जी देखिए, मैं संगीत में हूँ तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरी पहचान जो है वो संगीत से ही बने। जी बिल्कुल, कोई भी जो है मुझे यही जाने कि मैं संगीत में हूँ तो एक अच्छी गायिका हूँ, तो एक अच्छी गायिका के तौर पर कोई भी मुझे जाने तो मुझे यही मेरा सपना है, एक बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। लगभग कितना कमा लेते हैं?
देखिए क्या है कि ये जो है ये मैं अभी पब्लिक नहीं कर सकती जी, फिर भी मतलब कुछ एक एवरेज होना चाहिए ना। हाँ कुछ एवरेज, जैसे कि कोई महोत्सव सब में अगर मुझे बुलाया जाता है तो वह 40,000-50,000 मैं डिमांड करती हूँ। वाह काफ़ी अच्छा, देख सकते हैं यही जानना था जिसके कारण जो है स्मृति जी एक फोर व्हीलर भी अचीव किए हैं, क्या सही बात है? जी बिल्कुल। कौन से कंपनी का है? देखिए सभी का आशीर्वाद है और सभी का प्यार है जो ऐसा कुछ हो पाया है मेरी लाइफ में, तो वो सुजुकी का है और बेलेनो कार है। वाह काफ़ी अच्छा कार है जो कि आप डिस्प्ले पे देख ही रहे हैं। तो और स्मृति जी क्या बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस को आप? देखिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे भी ना आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं बहुत ही आगे जा पाऊँगी और कुछ मैं अपना नाम भी एक जगह बना पाऊंगी संगीत के क्षेत्र में। ये काफ़ी अच्छा है स्मृति जी, चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे गाना को सुनाइए जो कि हमारे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा और खुश हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए हम सभी मिथिला से हैं तो कुछ मैथिली गाना तो एक क्या होता है ना कि मैथिली गाना सुनते ही एक कुछ अपनापन सा लगता है, तो मैं सुनाती हूँ। कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथ मणि मोरिया कुंडल शोभिकन मा, माथ मणि मोरिया कुंडल शोभिकन मा, कर कर कज रारे जुलमी नयन मा, आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। वाह काफ़ी अच्छा, देख सकते हैं स्मृति जी जो है काफ़ी अपने अंदाज में मैथिली गाना को किस तरह से प्रस्तुत किया है जो कि आप लोगों को शायद काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसे कि अभी आप मैथिली ठाकुर जी को देखते होंगे कि अपने म्यूजिक के दुनिया में कितने बड़े लेवल पे हैं, उसी प्रकार से देख सकते हैं हमारे क्षेत्र के स्मृति जी काफ़ी ज़्यादा संगीत के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल अमित फॉर यू के लिए आप? जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद जो है वो इस चैनल को बहुत से बहुत ही मिलना चाहिए, और ये चैनल को मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, और साथ में जो है आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे तो हम लोग बहुत ही आगे जा पाएंगे। जी बहुत अच्छा, और जाते जाते आपसे और भी मेरा थोड़ा सा सवाल है, आपको किस तरह से कॉन्टेक्ट करेंगे? देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है सिंगर स्मृति सिंह के नाम से, और मेरा फेसबुक भी है स्मृति सिंह के नाम से, तो आप वहाँ पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे पापा जी हैं तो उनका भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाह बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आप अपना समय दिए हैं और आपसे कुछ बातचीत की है। मिलते हैं फिर दोस्तों आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।